हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डे टू डे रेसिपी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस बेसन के लड्डू की रेसिपी शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 120 ग्राम बेसन लिया हुआ है और ये 75 ग्राम भुर्रा है जो कि चीनी को पका करके भुर्रा तैयार किया जाता है और ये आपको आसानी से मार्केट में भी मिल जाएगा। हम चीनी की जगह भुर्रा इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा लड्डू चिपचिपा और गीला ना हो। ये इलायची है, हम इसे इलायची का पाउडर बनाकर एक छोटा चम्मच डालेंगे। ये बादाम के छोटे टुकड़े हैं और ये पिस्ता है गार्निश के लिए, और ये घी है 50 ग्राम। तो सबसे पहले हम एक पैन को गैस पे रखेंगे, गैस को ऑन करेंगे। जब पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम घी डालेंगे। जब घी थोड़ा पिघल जाए पूरी तरह से तो उसमें हम बेसन डालेंगे। तेज आंच करके मैंने घी को पिघला लिया है। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। बेसन डालने से पहले हम आज फ्लेम को धीमा कर देंगे। अब इसे अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ताकि घी और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए, इसे अच्छे से चला लें। इसमें जो गुठलियाँ पड़ रही हैं आप उसे फोड़ते भी जाएं साथ में। ये देखिए, बेसन को मैंने घी में अच्छे तरीके से मिला दिया है। अब इसे धीमी आंच पे ही लगातार भूनते रहें और इसे लगातार चलाते रहें ताकि बेसन न जले। अगर बेसन जल जाएगा तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें कि इसे हमें लगातार चलाते रहना है। और जो इसमें गुठलियाँ पड़ जा रही हैं तो उसे आप बीच बीच में मसलते भी रहें। स्पून की मदद से आप इसे मसल दें। इसे भूनने में लगभग 15 मिनट लग जाते हैं स्लो फ्लेम पे। आप देख रहे हैं हमारे बेसन का कलर हल्का चेंज हो गया है, वो लगभग भुना गया है। ये देखिए, जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए या फिर इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू ना आने लगे तब तक आप इसे हल्के आंच पे भूनते रहें। अभी थोड़ी देर और हम इसे पकाएंगे।
आप देख रहे हैं हमारा बेसन हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। कि देखिए हमारा ये बेसन ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ये बादाम मिलाएंगे और अब इलायची पाउडर डालेंगे और ये चीनी को डाल के मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से पूरी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा लड्डू बांध के देखेंगे कि ये बनता है कि नहीं। ये देखिए कितना अच्छा ये लड्डू बन गया है। तो इसे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल परफेक्ट घी चीनी और बेसन है, जो कि ना ज़्यादा घी दिख रहा है और ना ही कम घी इसमें दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसका लड्डू बनाते हैं। आप कितना भी बड़ा छोटा अपने अनुसार इस का लड्डू बना सकते हैं। मैंने यहाँ चीनी की जगह भुर्रा डाला है, आप पीसी चीनी भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से लड्डू तैयार हो रहे हैं। ये दूसरा मैंने कर दिया और इसी तरह से पूरा मैं ये लड्डू बना रही हूँ। ये हमारा बेसन का लड्डू बन करके तैयार हो गया है और आप इसे बादाम या पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं। दिवाली आ रही है तो आप इसे अपने घर में बना सकते हैं और इसे एयर टाइट कंटेनर में इसे 10 दिन तक रख के आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।